गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आप लोग पूछ रहे थे इस दीवार का क्या हुआ, तो ये जो वॉल है कुछ इस तरह से बनने वाली है। ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन है इस पर, ये डबल कोट हो चुका है इस पर और अभी हो रहा है इस पर पेंट गोल्डन। तो एक्चुअली मुझे ना बहुत शौक है ऐसे कुछ करने का, तो मैं ना उनसे ले लिया था मैंने, और मैंने सोचा मैं करके दिखाती हूँ उन्हें जो जो जैसे जैसे चाहिए मुझे। एक्चुअली सब कुछ मैंने ही बताया ना उन्हें, तो इसी वजह से वो बोल रहे थे कि आप बता दो, मतलब वो भी कर सकते थे, बट मैंने बोला उनको कि मैं करके दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा ऐसे कि ऐसे ऐसे करना है। तो फिर मैं जब करने लगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा ये, तो मैंने फिर उनको बोला कि थोड़ा सा मैं करती हूँ, तो वो बोले कि ठीक है। तो वो मुझे दे रहे थे ऐसे बना बना के और मैं कर रही थी, तो बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे पेंटिंग वेंटिंग करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे करना। तो इसी वजह से ना ये कर रही थी मैं, और बहुत ज़्यादा कर लिया था मैंने, मतलब इतना कुछ जो भी आपको दिख रहा है वो मैंने ही किया था ये गोल्डन का। उसके बाद फिर उनको दे दिया था तो वो करने लगे थे, तो मैंने एक बार उनको बता दिया, फिर वैसे वैसे उन्होंने किया। तो फाइनल लुक आप देख लेना, बहुत अच्छा आ रहा है इसका। और इसके बाद ना वो मेलामाइन आता है जो चमकने के लिए होता है, तो वो जब लग जाएगा ना तो बहुत सुंदर लगेगा ये। और सच में ये वॉल ना, मतलब आपको लग रहा था, मुझे भी पहले लग रहा था कि ये ग्रीन कलर पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि मैंने मैजेंटा कलर इस वॉल के लिए चूज़ किया था, और मैजेंटा कलर की ही मैंने ना बेडशीट वगैरह भी ऑर्डर कर दी थी। तो पता नहीं यार, अभी मुझे लगा था कि ये ग्रीन कलर है सूट करेगा या नहीं करेगा, बट मुझे ये तो पता था कि ग्रीन कलर अच्छा तो लगेगा, मतलब सब कुछ आने के बाद, बट ना ये था कि ग्रीन कलर अच्छा तो लगेगा बट मुझे ना सब कुछ इसका चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि मेरे पास कर्टन्स भी ऑलरेडी थे मैजेंटा कलर के और बेडशीट भी मैंने मैजेंटा कलर के ऑर्डर कर दी थी। उसके बाद अभी ये था कि कलर ये चेंज हो गया है। आप लोगों ने अगर वो व्लॉग नहीं देखा है इस कलर का, मतलब ये चेंज हो गया था कलर, एक्चुअली हमसे गलती हुई है या वो शॉप वाले से गलती हुई है, पता नहीं उन्होंने गलत कलर बना दिया या हमने ही गलत कलर का नंबर उनको दे दिया, तो ये तो किसकी गलती है ये हमें नहीं पता, बट चेंज हो गया था कलर। हमने मैजेंटा कलर दिया था उनको, मैजेंटा कलर का नंबर, और उन्होंने ये वाला ग्रीन कलर का नंबर बना के दिया, और वो भी थोड़ा सा भी कलर नहीं था, मतलब बहुत सारा कलर लाया था, 3 लीटर से ज़्यादा कलर था ये, 3-4 लीटर कलर था। तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा चलो वापस करने से अच्छा है कि ये कलर हम लोग रख ही लेते हैं, लगा देते हैं, और अदरवाइज़ अगर चेंज मतलब अच्छा नहीं लगा तो हम लोग चेंज कर देंगे, मतलब इसका कलर वॉल का ही कलर बाद में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना सारा गलाठा था, तो वो हमने निकाल दिया बाहर, और सारा गलाठे में इतना सारा, मतलब इतना ज़्यादा गंदगी दिख रही थी, तो हमने सोचा चलो ये बाहर निकालते हैं सारा कुछ, और बाहर निकालने के बाद इसको साफ़ करते हैं। तो ये कुछ POP इस तरह से हुई है इसकी, ये तो आपने देख ही ली है। इसमें CNC लगानी बाकी है, ये जो गाले दिख रहे हैं आपको, इसमें CNC लगानी बाकी है, और इसको क्लीन कर लेंगे। एक्चुअली वो लोग ही क्लीन करके देते हैं, बट उनको ना मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था उन्हें घर पर जाने के लिए भी, और उसके बाद उन लोगों के अगर भरोसे बैठे ना हम लोग, तो घर भी दिवाली तक क्लीन नहीं होता, इसलिए लिविंग रूम हम लोग ही क्लीन कर रहे हैं। तो ये जो है टाइल्स पे हम लोगों ने एसिड और पानी डाल दिया था, तो इसी वजह से वो क्लीन कर रहे थे। वो लोग चले गए थे काम करके अपना, बहुत लेट जाते हैं यार वो भी लोग, क्या कर सकते हैं। और हाँ, उसके बाद तो हम लोगों ने उनको 3-4 दिन अपने घर पर रख लिया था ताकि दिवाली तक काम हो जाए। दिवाली तक काम हो गया था, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, दिवाली तक काम हो गया था, बट फिर भी जो टचअप वचअप होते हैं वो सारा कुछ मतलब रह गया था। और हाँ, दिवाली की वजह से ही जो काम थे ना तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इसी वजह से मैं एडिट भी नहीं कर पाई वीडियो और अपलोड भी नहीं कर पाई। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा गंदा करके रखा है घर। एक्चुअली ये पेंट की वजह से भी और POP की वजह से भी और उसकी वजह से क्या बोलते हैं फर्नीचर की वजह से, उस पर ना ग्लू लगा है जो फर्नीचर पर लगाते हैं, तो वो वाला ग्लू लगा है यहाँ पे, इसीलिए इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है। ये वाला कलर भी बाकी है, और नीचे की टाइल्स भी क्लीन करनी है, कलर भी लगाना बाकी है, तो कलर मतलब नेक्स्ट डे लगेगा। तो यहाँ पर जो कलर लगा है वो दिखा देती हूँ, यहाँ पे कलर लगा के वो चले गया है, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ का, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो सारी जगह आपको पेंट पेंट दिखेगा, और फेविकॉल भी दिखेगा। फेविकॉल ना बहुत मुश्किल से छूटता है यार, बहुत ही मुश्किल, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फेविकॉल छुटाने में, और ना उस पर क्या बोलते हैं जैसे कि पानी और एसिड डाल के रखना पड़ता है, उससे वो फेविकॉल छूटता है।
बहुत तकलीफ हुई, और वो ना पेंटर को ही छुड़ाना पड़ रहा है एक्चुअली। पेंटर को ही सारा, लास्ट में पेंटर ही बच जाते हैं ना, तो पेंटर को ही सारा काम करना पड़ता है बेचारों को। तो उसके बाद ना ये थोड़ी सी हेल्प कर रहे थे उनको, थोड़ी सी मीन्स बहुत हेल्प की यार, क्योंकि हमें ना दिवाली से पहले सब कुछ करना था, तो इसी वजह से। और यहाँ पर मेरा मंदिर तो सेट हो ही गया है, आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया है, मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो गलाटा ही गलाटा पड़ा है, ये मुझे मंदिर बाहर निकालना है, इसको वॉश करना है, अच्छे से रख देना है, फिर आप देख सकते हो ये वाला गलाटा मुझे सेट करना है, बहुत सारे काम पड़े हैं। और दिवाली 2 दिन बाकी है, मतलब 2-3 दिन ही बाकी है दिवाली को, तो ये दिवाली के 2-3 दिन पहले का है। और दिवाली की साफ़ सफाई में इतनी ज़्यादा जान निकल गई ना हमारे इस साल, मतलब इस साल जैसे हम लोग कभी नहीं थके हैं, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई यार इस साल। मतलब मन भी नहीं कर रहा था कुछ करने का, फिर भी करना पड़ रहा था, क्योंकि दिवाली में साफ़ सफाई तो ज़रूरी है और लक्ष्मी का स्वागत एकदम दिल से करना चाहिए, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। और अब देख सकते हो तो यहाँ पर सारा गलाटा ही गलाटा पड़ा है। मैं इसी वजह से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर आप काम करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, जैसे कि घर पे रहने आने के बाद, तो इस तरह की मुश्किल होने वाली है आपको, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है, और आपको भी काम करना पड़ता है उन लोगों के साथ। और जैसे कि हम लोग जैसे घर पे रहते हैं ना, तो जो क्लीनिंग हो पाती है, मतलब जो क्लीनिंग करते हैं हम लोग, वैसी क्लीनिंग नहीं हो पाती है ये काम होने के बाद। बहुत दिन लग जाते हैं पेंट के दाग छुटाने में और सारी चीज़ें करने में, मतलब जैसे अपना घर पहले जैसा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये देखिए छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ रहा था, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, इतना टाइम लग गया ना ये सारी चीज़ें सेट करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर भी मुझे ऐसे ये नहीं हो रहा है कि यार नहीं हुआ नहीं, मतलब जैसे मैं पहले रहती थी पहले क्लीन घर में एकदम से, वैसे लग नहीं रहा है मुझे अभी तक कि मेरी टाइल्स में ना मुँह दिखता था, इतनी ज़्यादा चमकती थी मेरी टाइल्स। बट अभी क्या कर सकते हैं यार, मतलब जैसे रहने लगेंगे ना, डेली डेली उस पर पोछा लगेगा, डेली डेली वो अच्छे से क्लीन होगी, तब जाके ये पहले जैसा लुक आएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये है बेडरूम, बेडरूम का भी हाल वैसे ही है, और बेडरूम का जो टेक्सचर है उसका फाइनल लुक अभी दिखा देती हूँ आपको। और आप लोग भी वेट कर रहे थे फाइनल लुक का, वो कैसी वॉल दिखेगी, तो क्योंकि ग्रीन कलर गलती से आ गया था, तो देख लीजिए अभी फाइनल लुक वॉल का, क्योंकि बहुत सुंदर लग रही है ये वॉल, अगर आगे होती तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती। बट ये ना थोड़ा सा अभी पता नहीं कैमरा कैसे कैप्चर नहीं कर पा रहा अच्छे से। अभी देखिए ये जो कलर है ये पता चल रहा है, मैं पीछे जाके दिखाती हूँ आपको, बहुत सुंदर लग रही है ये वॉल। और इस पे टीवी आने के बाद और एक छोटे से वो जो ड्रॉअर बना के रखे है इसके, वो ड्रॉअर लगने के बाद बहुत सुंदर लगने वाली है ये वॉल। और अभी ना थोड़ा सा गलाटा है घर में, तो इसी वजह से इस तरह से दिख रही है। जब गलाटा ख़त्म हो जाएगा ना, मतलब जब क्लीन हो जाएगा घर, तब आप देख लेना बहुत सुंदर लगेगी। इस पे भी पेंट लगाना बाकी है, मतलब क्या बोलते हैं कलर लगाना बाकी है सीलिंग पे, तो सीलिंग पे येलो कलर लगेगा, वो भी आप देख लेना बाद में। और यहाँ पर ये वॉल आप देख लीजिए, बहुत ही सुंदर लग रही है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। और ये जो मिरर है ना, वो ड्रेसिंग टेबल का मिरर है, मतलब बेडरूम के ड्रेसिंग टेबल का, तो वो भी निकाल के रखा था, तो वो भी लगाना बाकी है, LCD लगाना बाकी है, सारी चीज़ें, कितने सारे काम हैं। और दिवाली 2-3 दिन ही है, बहुत सारे काम हैं यार, बहुत सारे, मतलब जान निकल जा रही है काम करते करते। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा इस साल ऐसे ही दिवाली से ही, मतलब अगले साल की दिवाली और भी अच्छी होने वाली है। इस साल भी अच्छी हुई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बनाई है हमने दिवाली। बट दिवाली का ब्लॉग आप देख लेना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी जो फ्रेम है, तो वो फ्रेम को भी पॉलिश करना बाकी है, इस फ्रेम को भी पॉलिश होगा। पॉलिश होने के बाद ना इतना अच्छा लुक आ रहा है इस फ्रेम का, बहुत सुंदर लग रही है, एकदम ग्लास जैसे चमक रही है ये फ्रेम। और ये जो पार्सल है मेरे, मैंने होम डेकोर के लिए ऑर्डर किए थे, वो मुझे रिसीव हो गए थे, बट अंदर नहीं लेके गई थी, तो ये पार्सल भी यहाँ पर ही पड़े हैं। इसमें झूमर है, कुछ होम डेकोर के सामान हैं, तो वो आइटम मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी कि मैंने अपना घर दिवाली में कैसे डेकोरेट किया था। एक्चुअली ये वीडियो पहले आने वाला था, बट ये वीडियो आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इतना सारा गलाटा था इसमें, तो यही काम नहीं हो रहे थे, ऊपर से वो वीडियो कब बनाती, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं वीडियो बना पाऊँगी, इसी वजह से मैंने वो ऑर्डर कर दिए थे। बट वो मुझे लेट रिसीव हुए, वो लेट रिसीव होने के साथ साथ मेरे घर का काम भी नहीं हुआ था, तो इसी वजह से मेरा वो आपके साथ शेयर करना ही नहीं हुआ कि मैंने क्या क्या आइटम परचेस किए हैं। बहुत सुंदर सुंदर आइटम मैंने परचेस किए हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं।
और यहाँ पर भी गोल्डन कलर लगने वाला ही है, आप देख सकते हैं येलो कलर जैसा दिख रहा है, तो पूरे यहाँ पे गोल्डन टचअप होने वाला है, तो वो भी बहुत सुंदर लग रहा है ये वॉल पे। तो फाइनल लुक आप देख लेना, बहुत सुंदर लग रहा है अभी घर, मतलब सभी लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही सुंदर हो गया है, तो मेरी मम्मी वगैरह बोल रही थी, तो आप देख लेना यहाँ पे। और यह गाड़ी मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि गाड़ी मेरी हर टाइम चमकती रहती है, बट इतनी धूल तो कभी नहीं रहती है गाड़ी पे। तो यहाँ पर सारी जगह धूल ही धूल है, बट ये पूरी धूल हमें क्लीन करनी है, ये सारा सोफ़ा वगैरह क्लीन करके हमें अंदर लेके जाना है, ये बॉक्स पड़ा है मीटर का, वो बॉक्स लगाना है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, आप बॉक्स देख लीजिए, ये मीटर का बॉक्स बना के रखा है, तो ये बॉक्स भी लगाना है, तो कल इलेक्ट्रिशियन भैया आ जाएंगे, तो उसके बाद सारी चीज़ें लगा देंगे वो, और बहुत अच्छे लगने वाला है घर। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन भी आए थे ना, उसके बाद सारी चीज़ें लग गई थी। नेक्स्ट ब्लॉग में आप देख लेना, बहुत सुंदर लग रहा है, नेक्स्ट ब्लॉग में ही घर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मतलब जैसे कि लाइट वाइट लग जाते हैं ना, लाइट्स की वजह से इतना अच्छा लगने लगता है, मतलब जो लुक है ना वो लाइट्स की वजह से ही आता है। और वैसे लिविंग रूम का जो टेक्सचर है ना वो भी बन गया है, तो वो भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूंगी कि क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर जो लिविंग रूम है वो क्लीन हो गया था, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर अभी टाइल्स लग रही है मेरी, चमक रही है टाइल्स, इतनी चमकी हुई तो मैंने जब से काम स्टार्ट हुआ है तब से देखी नहीं है। ये अभी पेपर वगैरह निकल जाएंगे इसके, तब आपको पता चल जाएगा कि लुक कैसा आया है। और बच्चे ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि काफ़ी दिनों के बाद उनको ये देखने के लिए मिला था। तो ये जो टेक्सचर बना के रखा है उन्होंने, इस पर पेंट लगेगा उसके बाद, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे, मैं बता रही हूँ ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सीढ़ियाँ भी थोड़ी सी चमक गई है, मतलब इस पर अभी पोछा वोछा लगने वाला है, और जो छोटे छोटे पेंट के दाग रहते हैं ना, तो वो दाग जल्दी नहीं निकलते हैं, ये CNC जो है वो लिविंग रूम की है, लिविंग रूम के जो गाले काट के रखे हैं ना उसकी CNC है ये, वो अच्छे से रख रहे थे, नहीं तो अद्विक वगैरह वो ख़राब कर देता है। यहाँ पर लगेगी वो CNC, जहाँ पर कटा हुआ दिख रहा है आपको वहाँ पर वो CNC लगेगी, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जब घर बन गया है ना तो आपको क्या बताओ, मुझे खुद को पसंद आया, आपको तो पसंद आने ही वाला है। तो आप नेक्स्ट ब्लॉग मतलब आगे के जो ब्लॉग है मिस मत करना, बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं आपको आगे के ब्लॉग। बच्चे खुश हो गए थे इतने ज़्यादा क्लीन देखे, तो बच्चे बैठ गए थे नीचे क्योंकि बिल्कुल क्लीन हो गया था, मतलब एकदम साफ़ सुथरा हो गया था, टाइल्स बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गई थी। तो टाइल्स क्लीन करने के बाद ना इन्होंने फिर लैट्रिन बाथरूम क्लीन की, क्योंकि लैट्रिन बाथरूम भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, सभी लोग यूज़ कर रहे थे, ऊपर भी वो जो PVC वगैरह लगाई है उन्होंने बाथरूम में, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था, दरवाजे भी बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे। और इनको ना मतलब हम दोनों को भी ऐसे बोल सकते हो, मुझसे ज़्यादा मतलब दुगना वो काम करते हैं, इतना ज़्यादा साफ़ सफाई का कीड़ा है उनमें कि वो एक जगह पे बैठ ही नहीं पाते हैं, छोटे छोटे दाग जो भी है वो निकाल लेते हैं वो, मतलब अभी देखना इसके बाद जो मेरा घर मतलब डेली थोड़ा थोड़ा निकले के ना दाग थोड़े थोड़े, तो अच्छा होने वाला है आगे भी। तो अभी थोड़े थोड़े दाग दिख ही रहे हैं वैसे, मतलब इतने छोटे छोटे दाग नहीं निकलते यार, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। और अब मेरा लैट्रिन देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, इस तरह से उन्होंने ये सब कुछ क्लीन किया था, मतलब छोटे छोटे दाग वगैरह ये टारपेन से क्लीन करना पड़ रहा था। और ये ना पेंटर क्लीन करके देते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो घर जैसे पेंटर थे हमारे, मतलब गांव के थे तो पहचान के थे, इसी वजह से घर जैसा काम वो लोग कर रहे थे, तो उनकी हेल्प हम लोग भी कर रहे थे, क्योंकि क्या हो रहा था कि टाइम नहीं था हमारे पास, बिल्कुल भी टाइम नहीं था, हम लोग उनके भरोसे छोड़ देते, अगर एक महीना भी आगे दिवाली नहीं होती ना, तो एक महीना भी अगर काम चलता आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट दिवाली की वजह से ना हमें क्या करना पड़ रहा था कि खुद ही काम करने पड़ रहे थे, सब कुछ उन्हें हेल्प करनी पड़ रही थी। वो बच्चे ना मतलब ज़्यादा बड़े नहीं थे जो पेंटर थे, बट बहुत ज़्यादा होशियार है यार, बहुत ही ज़्यादा, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देते हैं, इतनी सफाई से काम कर रहे हैं ना, मतलब आपको क्या बताओ, बहुत ज़्यादा सफाई है उनके हाथों में। तो यहाँ पर मेरा लैट्रिन क्लीन हो गया है, उन्हें जितना पहले जैसा लगता था वैसा तो इतना नहीं लग रहा है, फिर भी जितना हो पाया हमसे उतना हम लोगों ने किया। यहाँ पर हम लोगों ने लैट्रिन क्लीन कर लिया था, उसके बाद बाथरूम क्लीन कर लिया है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो बाथरूम कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, बट ऐसा मेरे बाथरूम तो कभी नहीं दिखा, इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, बट बाथरूम भी क्लीन कर लिया है आज। और ये जो क्लिप है वो पिछले ब्लॉग की है, बट आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, इसीलिए इस ब्लॉग में शेयर कर दे रही हूँ। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, आप यार लाइक नहीं करते हो, देखते हो और बिना लाइक किए और सब्सक्राइब किए ही चले जाते हो,
लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको इंस्टा पे फॉलो करना है तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।